आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, 2 years ago, दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड 2 years हेंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड दिलीप आर। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ दिलीप बी एक्स एंड एज ऑफ दिलीप सन, उसको हम y ले लेते हैं। एज ऑफ दिलीप सन बी y ईयर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 2 years अगो, मतलब दिलीप की एज से भी 2 years माइनस हो जाएंगे और उसके सन की एज से भी 2 years माइनस हो गए 3 times। दिलीप की एज 3 times हो जाएगी अपने सन की एज। इसको ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3y माइनस 6, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस का 4। ठीक है, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से 2 years हेंस, मतलब 2 साल बाद दिलीप की एज में भी 2 years ऐड हो जाएगा और सन की एज में भी। ट्वाइस ऑफ हिज एज, मतलब दिलीप की एज का ट्वाइस इक्वल टू 5 times ऑफ सन एज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2 जा 4 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 2 जा 10, तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। ये सेकेंड इक्वेशन। देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे 2 का, तो 2x इज इक्वल टू 6y माइनस 8 फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें भी 2x की आ गई, इसमें भी दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, x के टर्म गायब हो जाएंगे y की, तो लिख दे रहे हैं। मेथड हम कोई भी यूज करते कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन। हम यहाँ सब्सटीट्यूशन यूज कर इस 2x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, या लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 5y प्लस 6। सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 14 years। तो y कौन था, y था दिलीप का सन, सन की एज आ गई 14 years। अब दिलीप की एज निकालनी है तो y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी। लाइक हम 1 में ही पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 में पुट करेंगे, तो लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम 2 से रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 हो गई, मतलब कहने का हम वापस से अपनी इस इक्वेशन में आ गए। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस 4, 14 3 जा 42, 42 में 4 गया 38, मतलब दिलीप की एज आ गई 38 years। ये हो गए हमारे आंसर्स, दिलीप की एज और उसके सन की एज। दिलीप की 38 years, सन की 14 years। दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।